तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है आप लोग के लिए कि हाँ, कि 28 को जो रिजल्ट मैट्रिक का जारी होने वाला है उसका हम लोग आप लोग के लिए न्यूज़ बना के लेके चले आए फटाफट से कि क्या 28 को रिजल्ट जारी हो रहा है कि नहीं। हमने थंबनेल में आपको बता दिया प्यारे बच्चों कि रिजल्ट यहाँ पे जारी हो रहा है, फटाफट से आइए देखिए इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से 28 तारीख को बिहार बोर्ड की तरफ से भी बताया गया था और न्यूज़ में भी आया हुआ था कि आपका जो रिजल्ट है 28 तारीख को जारी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों पूरा विस्तार से, पहले उसके बाद हम आज का भी पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार बोर्ड 28 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर सकता है, सब लोग इसी के कयास में लगाए हुए अभी तक, है कि नहीं। इसके लिए बोर्ड की ओर से तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। वर्तमान में कॉपियों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है, यहाँ पे दिया हुआ है, और टोपरों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, उसके उपरांत रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया है। अब सभी की नजर मैट्रिक के रिजल्ट पर लगी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पहले ही कह चुके हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट इसी माह जारी किया जाएगा, जो हम लोग को मालूम है। हम लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा था इस बात को, ठीक है, और बहुत सारे अखबारों में भी पढ़ा था, और आप यह खबर जो है आप लोग के पास भी पहुंचा होगा कि नहीं प्यारे बच्चों। तो और आप लोग का सवाल होगा कि सर क्या रिजल्ट अभी जारी हो रहा है कि 28 तारीख का जो बताया है, या कब जारी होगा, फटाफट बता दीजिए, क्योंकि 28 तारीख तो यहाँ पे गुजरने वाला प्यारे बच्चों, 28 भी गुजर चुके हैं, 29 को आ गया, 30 का आएगा। तो फटाफट से हम लोग चलिए जान लेते हैं, और आप लोग का सवाल जो है कि सर आज रिजल्ट आएगा या नहीं, सबके बारे में जानते हैं। यहाँ पे नीचे हम चलते हैं और एक वायरल हो रहा है पेपर देखिए कि इस तरीके के श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा आज दिनांक 28/3/2023 को अपराह्न 3 बजे मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 का परीक्षाफल जारी किया जाएगा, जो कि वायरल है और सभी लोगों के पास ये पहुंच भी जा चुका है कि नहीं। तो सब लोग कन्फ्यूज हैं कि सर कैसे चेक होगा, कैसे चेक होगा, रिजल्ट आने वाला है, सारे लोग बच्चे कन्फ्यूज हो चुके हैं। तो मैं अभी बता दूँ कि बिहार बोर्ड के द्वारा अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस नहीं किया गया है जिससे कि मालूम हो कि आपका रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने सभी को चेक कर लिया प्यारे बच्चों। अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट बिहार बोर्ड की तरफ से नहीं किया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और पेपर में भी दिया हुआ जो कि आज बिहार बोर्ड ने जारी नहीं किया, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं रिजल्ट अगर जारी होगा तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले रिजल्ट आप कैसे चेक कीजिएगा, और लिंक कहाँ मैंने एक्टिवेट कर दिया है, और आपको कैसे चेक करना है, और चाहते सबसे पहले नोटिफिकेशन तो चलिए हम आपको बताते हैं अगर रिजल्ट आता है तो सबसे पहले कहाँ से चेक करना है, और हमेशा आपको रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता रहेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ से सबसे पहले रिजल्ट को चेक करना है अगर रिजल्ट आपका आता है तो प्यारे बच्चों। चलिए तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करने वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना और लिखना है POINT.SPACE.A.STUDY और स्टीम, ठीक है, आपको लिखना है, उसके बाद आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा आपके सामने इस तरह का पॉइंट ऑफ स्टडी ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है रिजल्ट चेक करने के लिए, इस पर सबसे पहले क्लिक करना है, देख लीजिए आगे भी आपको चेक करना है, ठीक है, जैसे कि आपको सब चीज़ मालूम हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तब आपको नीचे के स्क्रॉल डाउन करके आना है, अब यहाँ पे आपको नीचे आइएगा और रिजल्ट का एक कॉलम दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे मैट्रिक रिजल्ट 2023 दिख रहा है आपको, क्या करना है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने अगला पेज इस तरीके से खुल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आइएगा, सारा लिंक आपको मिल जाएगा, एक भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है, पहली लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे आइएगा नीचे, यहाँ पूरा विस्तार से इसको पढ़ लीजिए और नीचे आइएगा स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। तो यहाँ पे दिया होगा क्या है कि मैट्रिक का नीचे दिए गए लिंक से रिजल्ट चेक करें। यहाँ पे देखिए 3 रिजल्ट चेक, लिंक 1 है, लिंक 2 है, लिंक 3, लिंक 4 है, तो किसी से भी आगे चेक कर सकते हैं सबसे पहले प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आइएगा, जैसे चेक होगा हम आपको वीडियो बना देंगे, और यहाँ आइए और चेक कर लीजिए कैसे आपको रिजल्ट चेक करना, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आपको रिजल्ट को चेक करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कर सकते हैं।